नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं हॉल नंबर 9 में, और हॉल नंबर 9 में अलग अलग स्टॉल लगे हैं। तो अभी एक स्टॉल के सामने आए हैं, श्री श्री इंटरनेशनल जो स्टॉल है। यहाँ पे आपको ग्रेटर नोएडा के आप साइट सी में जाएंगे तो कुछ जो टेक्सटाइल की कंपनीज हैं वहाँ पे फैब्रिक से रिलेटेड, जो फैब्रिक का काम है, जो आपको क्लोथ्स, जो अलग अलग कपड़े हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में निर्मित ये अलग अलग जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जो कपड़े आप देख रहे हैं ये आपको, और इसमें इनका टैगलाइन भी जो है मेड इन भारत फैब्रिक्स जो है, ये सारे ग्रेटर नोएडा में बनने वाले फैब्रिक्स हैं। और ये अभी हाल ही में चाइना को भी टक्कर दे रही है, जो आपके आगे फैब्रिक्स की जितने भी आप सामान देख रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में इसे तैयार किया जा रहा है। इसके जो है वो ऑनर राजेश जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो फैब्रिक, जो ये प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, कहाँ तैयार हो रहा है ये सारा? सर, मेड इन भारत फैब्रिक है, और हम लोग यार्न लेके उसको निटिंग करवा के लुधियाना और दिल्ली NCR में डाई करवा के हम लोग एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, जो कि आगे जर्मनी, USA, कनाडा एक्सपोर्ट हो रहा है। कौन से कंट्री में, आप अभी कंट्री का नाम बता रहे थे, कौन कौन से कंट्री में जो है ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं? ये तो डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा। ये हम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, ये वहाँ का अच्छा ब्रांड है, हमारा एक बैलनी के नाम से ब्रांड है। और ये जो फैब्रिक है लाइक्रा फैब्रिक, ये हम अभी तक चाइना से आता था 2010। अच्छा, तक हाँ 2014 के बाद उस पर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगने के कारण अब हमारे पास इसकी मार्केट अच्छी हो गई, और हम लोग इसमें चाइना से कम्पीट करने के कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये कपड़ा यहाँ बनता ही था। हाँ, उनके रेट में हमारे रेट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हम डॉलर्स में फ़र्क है। और पहले जो सारे बायर्स थे वो चाइना जाते थे, अभी जो सारे बायर्स हैं मैक्सिमम लोग मेड इन इंडिया, मेड इन भारत प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो अभी तक इसका इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ पे। अभी यहाँ पे लुधियाना, और हम लोगों ने जैसे ग्रेटर नोएडा भी लगाई है, हमारी लुधियाना भी फैक्ट्री है, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को रेट्स में कम्पीट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बनाएं। अभी ये जो कपड़े हैं ये सारे चाइना से आते थे, अब हमने ये मेड इन इंडिया भी बनाना स्टार्ट कर दिया भारत में, और अच्छा कम्पीट कर रहे हैं। हमारे हम जिन एक्सपोर्टर्स को देते हैं, हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, नेटेड फैब्रिक में है ये, पॉलिस्टर रिलायंस का यार्न होता है इसमें, मेड इन इंडिया है वो भी, इसमें स्पेंडेक्स यार्न लगता है वो भी हैदराबाद में बना हुआ है, और मशीन्स जो हैं वो अभी हम बाहर की लेते हैं। जैसे कि आपने बताया माथुर साहब कि हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ आपने बताया कि डॉलर में कुछ प्राइस में अभी भी अंतर है, तो हमारे लिए चुनौतियां क्या है? जैसे ग्रेटर नोएडा में आप फैब्रिक के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लिए चुनौती क्या क्या है? हमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह का जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज बड़ी हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जो मास लेवल प्रोडक्शन, मास लेवल हम लोगों की अभी छोटी फैक्ट्रीज हैं, पर हम अपने लेवल पर क्वालिटी में हम चाइना के आसपास पहुँच चुके हैं। टाइम लगेगा, हम प्राइस में भी हम काफ़ी हद तक उनको कर चुके हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा गैप है, लेकिन बायर हमारे कपड़े लाइक कर रहा है, और हमारा अपना निटिंग, अपनी सर्कुलर निटिंग पे मशीन पे होता है ये सारे कपड़े हम बनाते हैं पॉलिएस्टर में, उसके साथ स्पेंडेक्स लगता है, ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। ट्रेड फेयर का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? इसमें ठीक है, इसमें रिटेल के ज़्यादा हैं, B2B तो इसमें इतना नहीं है हमें फैब्रिक के, पर एक लोगों को जागरूकता थोड़ी सी आ रही है कि हाँ इंडिया में भी, ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा कपड़ा बन रहा है, ये जो कुछ लोकल सप्लायर भी हैं उनको भी पता चल रहा है, तो वो एक है, अदरवाइज तो ऐसा हम एक्सपोर्ट पब्लिसिटी के हिसाब से है कि आपको पब्लिसिटी हो रही है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में भी किस तरीके से फैब्रिक के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ट्रेड फेयर की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।